हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? तो साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, जो आज है ना, ज्ञानदास हमारे टीचर बनने वाले हैं। क्यों ज्ञानदास? आप बोलोगे तो बन जाऊंगा। देखिए साथियों, आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। साथियों, व्हाट इज ओम्स लॉ मतलब साथियों इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। साथियों, जब भी हम इंटरव्यू देते हैं, चांस यही रहते हैं कि 99% हमें क्वेश्चन यहां से ही पूछे जाते हैं, ओम्स लॉ में से ही पूछे जाते हैं। 99% चांस रहते हैं, ठीक है। तो आज हमारे सर बनेंगे कौन भाई? ज्ञानदास बनेगा, ठीक है। ज्ञानदास हमारे सर बनेंगे और मैं इनका स्टूडेंट बनूंगा और ये मेरे से लेंगे इंटरव्यू, ये मेरा लेंगे इंटरव्यू। लेकिन एक बेसिक सी चीज जो मेरे को पहले से पता है वो मैं बता देता हूँ, बाकी का इंटरव्यू में देखेंगे। भाई, यहाँ पर जो ये ओम का नियम है, ये किसने दिया? ये दिया साथियों जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया भाई? जॉर्ज साइमन साइमन ओम ने, ठीक है। ये इन्होंने दिया था, ये नियम इन्होंने दिया था, ठीक है जी। ज्ञानदास जी, तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं मेरे ज्ञानदास सर को जो है प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। हाँ, दूधो नौ पुतो पलो सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो, तुम्हारे बच्चे फले फूले, तुम्हारी कोख भरी रहे। नालायक ये क्या बोल रहा है, शर्म नहीं आई तेरे को? अरे आदमी हूँ मैं। कम बोल दो, कान पे और मारूंगा भी मैं तेरा सर, तू मेरा सर नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में देखता हूँ बेटा तेरे को, ठीक है। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, सर हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछने जा रहा है। पूछिए सर, क्या पूछना है? व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है, ये बता। अच्छा अच्छा सर, बहुत ही छोटा सा सवाल आपने किया है, ओम का नियम क्या है। सर मैं आपको बता दूं, जो ओम का नियम है ना, ओम का नियम क्या करता है, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज और सर धारा और सर प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, इन दोनों में संबंध बताता है ओम का नियम। सर मैं अगर सीधी सी भाषा में कहूं ना, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। ओम का नियम आपने पूछा, ओम का नियम क्या है, तो इसका उत्तर यही है। तो साथियों आपको भी इंटरव्यू में यही उत्तर देना है कि सर ओम्स लॉ एक फॉर्मूला है जो कि धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध में संबंध बताता है, बस इतना बोलना है। अब इतना बोलने के बाद सर दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा, तो वो ओम का नियम का फॉर्मूला क्या है, चलिए बता। अच्छा सर, फॉर्मूला बताना है सर, बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है सर। V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू R, ठीक है, V बराबर I इंटू R, सर ये इसका फॉर्मूला होता है। साथियों सर देखिए, ये फॉर्मूला हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, तो आप इससे I भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास I है, वोल्टेज है, तो आप इससे R भी निकाल सकते हैं। मतलब सर हम इससे तीनों चीजें निकाल सकते हैं, करंट, वोल्टेज और हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, तीनों का मान हम इससे निकाल सकते हैं सर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सर। अच्छा, तो इस फॉर्मूले का मतलब भी बता दे, अब तेरे को इतना ही पता है तो। अच्छा सर, ओम के नियम का क्या मतलब है? सर ओम के नियम का ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस छोटी सी बात है कि ओम के नियम का मतलब सर हम देख सकते, इससे समझ सकते हैं कि आई बराबर क्या हो जाता है सर, वी बटा आर हो जाता है। तो सर हम जब यहाँ पर देखते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जब आई बढ़ेगी ना, तो हमारी वोल्टेज भी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। लेकिन जब हम दूसरे साइड से देखते हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस सर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर हम करंट को बढ़ाएंगे, तो जो आपका हमारा जो रेजिस्टेंस है सर, वो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, तो हमारी करंट घट जाएगी। मतलब सर ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, करंट और वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे, और जो हमारी करंट और वोल्टेज, सॉरी ये तो समानुपाती हो गए सर, सर सॉरी, ये समानुपाती होंगे, और करंट और रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बस सर यही इसका जवाब है कि ये संबंध बताता है कि जब भी हम करंट को बढ़ाएंगे, तब रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस तो कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज करंट के साथ साथ बढ़ती रहेगी, ठीक है सर, यही इसका उत्तर है। हाँ ठीक है ठीक है, कल से 9 बजे काम पे आ जाना। ओके सर, कल से मैं ड्यूटी आ जाऊं? नहीं तो एक काम कर, घर से टीटीआईबी क्लासेस पर ऑनलाइन पढ़ा लेना। ठीक है सर, कल से मैं घर पे पढ़ा लूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।